हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी 16 जून 2022 को जारी हो चुका है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 15 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कुटुंब न्यायालय दुर्ग के अंतर्गत स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिनमें भारत के कोई भी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से ही करना है। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए 11 पोस्ट हैं, यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 14 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप उनके आधार पर डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट टिप दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर मिला लीजिएगा, तभी आप आवेदन करिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पदों की संख्या में परिवर्तनीय है, यानी कि इनकी संख्या में घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो जितने भी आरक्षित पद निकाले गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्य के आवेदक आवेदन करते हैं तो अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। इनके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको 40% के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है, वहीं पर अनारक्षित के लिए 45% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें आपको इंटरनेट और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक निर्धारित की गई हैं। वहीं पर इनके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर जैसे ही सेम दिया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इनके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो, लेकिन 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट दी गई है, जिन्हें सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अन्य शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए इनके द्वारा जो मांगी गई समक्ष शैक्षणिक योग्यताएँ हैं उनके आधार पर आपके पास जाति, निवास, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र और इससे संबंधित जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसे आपको संलग्न करना होगा। यहाँ पर इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दी गई है, जैसे कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप जो दिया गया है, आपको इसी जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में इसका प्रारूप मिल जाएगा। उसके अनुसार A4 साइज पेपर में पूरी तरीके से फॉर्म भरकर इनके कार्यालयीन दिवस में 17/6/2022 यानी कि 17 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद लिफाफे में आपको इनके कार्यालय में जमा करना है, जिसमें आवेदित पद का नाम और आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए। दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन के माध्यम से इनके कार्यालय में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 जो प्रथम मंजिल में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर आपको प्रस्तुत करना होगा, जिनके लास्ट डेट की बात करें तो 15 जुलाई 2022 रखी गई हैं। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उन सभी की प्रतिलिपि में आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप डाक, ईमेल या अन्य किसी भी तरीके से आवेदन फॉर्म जमा करते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन की अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जॉब रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो दी गई वैकेंसी है, अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 चरणों के आधार पर लिया जाएगा, जैसे कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी और सेकंड चरण में कौशल परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे आप डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा। वहीं पर बात करें सहायक ग्रेड 3 के लिए तो यहाँ पर भी 2 चरणों में लिया जाएगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल कौशल परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना होगा, जिसे आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। वहीं पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से रखे हुए बॉक्स पर आपको जमा करना है। तो दोस्तों, यह रही प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।